एक्शन। ये न्यू इंडिया है और इसके सपनों का विस्तार, इसकी उड़ान असीम है, इसकी इच्छा शक्ति असीमित है। आज भारत ने तो देखा दोस्तों, हमारे साहब जी को शायद यही बाकी रह गया था जो आज हाथी की सवारी भी कर लिया और हाथी को गन्ना भी चुसा दिया। और अब कहीं इस पार्क का नाम ना बदल दें और साहब जी का नाम नरेंद्र मोदी की जगह ब्लॉगर मोदी कर देना चाहिए, क्योंकि जहां भी जाते हैं, जो भी करते हैं, तो बिना कैमरे के ये कुछ नहीं किया करते हैं। और नाम बदलने में साहब जी को तो महारत हासिल है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और लगता है अंबानी की शादी में जिस पत्रकार ने हाथी की खिचड़ी खाई थी, उसी पत्रकार ने मोदी जी को भी भेज दिया है हाथी देखने के लिए। और हाथी मेरा साथी बीएसपी और बीजेपी का कहीं सीक्रेट गठबंधन तो नहीं है? या फिर यह भी हो सकता है मोदी जी हाथी के दांत देखने गए हो कि सीखना होगा कि खाने के दांत अलग और दिखाने के अलग, इसी हिसाब से काम भी करना है साहब जी को। और लगता है साहब जी हाथी की सवारी करके मणिपुर जाएंगे, क्योंकि अब तो वोट मांगने का समय आ गया है, क्योंकि हाथियों से साहब जी बचपन का पुराना नाता रहा है। और कुछ लोग मजाक मजाक में यह भी कह रहे हैं कि गंगू की कोशिश है राजा भोज बनने की, इसीलिए तो बीजेपी वाले कहते हैं कि अब की बार 400 के पार और साहब जी झोला उठा के जंगल के रास्ते कहीं हो ना जाएं फरार, क्योंकि यही है साहब जी का चुनाव जीतने का फंडा, नहीं बाद में बेचना पड़ेगा इनको चाय के साथ अंडा। और अभी तो रुको, क्लाइमेक्स अभी बाकी है। मैं अपना बचपन का एक अनुभव बता दूं। मैं ट्रैवलिंग करता था बहुत, और कभी आरक्षण रिजर्वेशन तो कोई सोचना ही नहीं था। भीड़ बहुत होती थी अनरिजर्व डिब्बे में, तो मैं क्या करता था, देखता था कि यहां थोड़ा मौका है तो मैं किसी का हाथ पकड़ के शुरू करता देखना, तुरंत लोग मेरे लिए सीट की व्यवस्था करते थे। देखा दोस्तों, साहब जी का कला, साहब जी में पहले से ही है कला भरा पड़ा। साहब जी बता रहे हैं कि जब उनको सीट नहीं मिलती थी तो ये ज्योतिषी बनकर लोगों के हाथ देखना शुरू कर देते थे, फिर लोग अपनी सीट छोड़कर इनको बैठा देते थे। मतलब साहब जी भी उस टाइम भी लोगों को बनाते थे उल्लू, और आज भी सीट के लिए भी बना रहे हैं लोगों को उल्लू। लगता है साहब जी का एक नाता बचपन से उल्लू से भी है, शायद इसीलिए उल्लू बनाने में हमारे साहब जी को महारत हासिल है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। वैसे ये कला साहब जी में कूट कूट के भरा है। पहले एक सीट के लिए बेवकूफ बनाते थे और आज सारे देश के सीट के लिए बेवकूफ बनाते हैं। यही है साहब जी का खेल, तभी तो निकलता है लोगों का तेल। और साहब जी नहीं होते हैं कभी भी अपने काम में फेल। बेरोजगारी और महंगाई के लिए नहीं है कोई कला, और ना ही किसानों के लिए है कोई जुगाड़, सिर्फ तलो पकौड़ा और किसान भगाए साढ़। सही पकड़े हैं। वैसे सब समय समय की बात है, तब का समय ट्रेन के सीट का था और अब का समय देश की सीट का है। यही है साहब जी का ज्योतिषीय दिमाग, जिससे चलाते हैं देश और जहां भी जाते हैं बदलते रहते हैं अपना भेष। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।